नमस्कार, टुडे न्यूज में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद साह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर दू में थपल मंत्रालय में कर्मचारी अभाव भेल संबंधी प्रसंग सा। प्रदेश नंबर दू सरकार नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र के सरकार मिलाव विभिन्न चारिटा मंत्रालय थप कैने, मुदा संचालन तथा व्यवस्थापन में ध्यान नहीं दिला पर मंत्रालय सब एखन काज विहीन बनल, जाहि कारण मंत्रालय संचालन में सेहो समस्या भेल। प्रदेश सरकार विभिन्न चारिटा मंत्रालय सब भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के टुकड़ा कक खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय सामाजिक विकास मंत्रालय से टुकड़ा कक सामाजिक विकास आ महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय से टुकड़ा कक आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय आ कानून न्याय तथा प्रदेश मामला मंत्रालय आ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के टुकड़ा कक वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रवृत्ति मंत्रालय थप कने छल। ओहिमे से महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद खाने पानी तथा ऊर्जा विकास कानून न्याय तथा प्रदेश मामला मंत्रालय अस्तित्व में आबि चुकल, मुदा वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रवृत्ति मंत्रालय एखनो सेहो अस्तित्व में आबि नहि सकल। थप कयल गेल चारिटा मंत्रालय में से दूटा मंत्रालय में नया मंत्री आयल रहे, तो कानून न्याय तथा प्रदेश मामला मंत्रालय अस्तित्व में आयल रहे तो मंत्री विहीन है। वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रवृत्ति मंत्रालय एखनो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय यादव अपने मंत्रालय में रहल दावी करते आबि रहल। मंत्री यादव प्रदेश सरकार के निर्णय के चुनौती दैत मंत्रालय टुकड़ाब के पक्ष में नहीं रहल कर्मचारी सबके कहब रहल। इम्हर मंत्रालय थप कयल गेल चारिटा मंत्रालय में से तीनटा मंत्रालय अस्तित्व में आयल रहे, तो मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय वो मंत्रालय के लिए कर्मचारी दरबंदी की स्वीकृति नहीं देने है। पुराने मंत्रालय से दो चार गोट कर्मचारी के राखि के वो मंत्रालय कहुना कहुना संचालन होते आबि रहल। मंत्रालय के कर्मचारी के दरबंदी स्वीकृति नहीं भेला पर मंत्रालय के कामकाजे प्रभावित फरहल महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह बतौलन। मंत्रालय के दरबंदी स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद के विचार में सेहो बेर बेर बात रखने छी, मुदा एखनो धरि कर्मचारी दरबंदी स्वीकृत नहीं भेल अछि। नहीं तो मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय कर्मचारी के व्यवस्थापन केने अछि। मंत्री सिंह कहलनि कर्मचारी के अभाव में मंत्रालय के कामे प्रभावित भ चुकल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय से कर्मचारी के तत्काल व्यवस्थापन नहीं कलक तऽ करारे में कर्मचारी राखि कऽ मंत्रालय के कार्य के आगा बढ़ाए। इम्हर कानून न्याय तथा प्रदेश मामला मंत्रालय में नहि मंत्री अछि नहि सचिव अछि। तीन गोट कर्मचारी निमित्त उप सचिव आ दू गोट कानून अधिकृत मात्र कार्यरत अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के कानून उप सचिव दिलीप प्रधान के निमित्त प्रमुख के जिम्मेदारी देने अछि, मुदा प्रधान के आर्थिक कारोबार के अधिकार नहि देला पर मंत्रालय के कानून के मसौदा तैयार करय या प्रिंटर फोटोकॉपी कराबय सेहो अन्य मंत्रालय के सहयोग लिय पड़ि रहल अछि। लागू औसत गाँजा सहित एक गोटे के प्रदेश नंबर दू प्रहरी कार्यालय के टोली पकड़ाव कलक अछि। पकड़ल गेल में हेटौड़ा उप महानगर पालिका 19 के 35 वर्षक वीर बहादुर बलोन अछि। जनकपुर धाम 4 मुरली चौक से बापा च 140 नंबर के पिकअप वैन में गांजा लेने बलोन के विशेष सुराकी के आधार में पकड़ाव कयल गेल अछि। वैन में पानी राखे वाला प्लास्टिक के टंकी में 10 पोका गांजा रखने छल। बरामद गांजा 1 क्विंटल रहल प्रहरी जनौलक अछि। पकड़ल गेल बलून संगे गांजा आ भैन के प्रदेश प्रहरी जिला प्रहरी कार्यालय के बुझौने बुझल गेल अछि। गांजा कतय से लाओल गेल विषय में किछु खुज नहि सकल अछि। यद्यपि हेटौड़े से लौने होब सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। उनका ऊपर आवश्यक अनुसंधान आ कार्रवाई आगा बढ़ौने प्रहरी के कहब रहल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षार्थी के खूब के व्यवस्था कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आग्रह कलक अछि। बोर्ड के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रमणि पौडेल जापान के अनुदान से आब बाकी रहल एस्ट्रोजेन के खोप कक्षा 12 के विद्यार्थी के उपलब्ध कराब मंत्रालय के अनुरोध कयल गेल जानकारी देलनि। मंत्रालय आगामी हफ्ता बाकी 8 लाख एस्ट्रोजेन के खोप एबाक जनौलक अछि। साउन 31 गते से होबय वाला परीक्षा कोरोना संक्रमण के जोखिम भेल कहे CCMC परीक्षा स्थगित कर अनुरोध कयलाक बाद बोर्ड परीक्षा स्थगित कयने छल। बोर्ड पर 4 लाख विद्यार्थी के परीक्षा संचालनक लेल 4,310 परीक्षा केंद्र में भौतिक दूरी कायम कऽ कऽ एकटा कक्षा में 25 गोट मात्र विद्यार्थी राखल जकाँ तैयारी कयने छल। विभिन्न पाँच बुंदे मार्ग सहित जनकपुर धाम के जनक चौक में 5 दिन से आमरण अनशन में बैसल अनशनकारी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर बनल अछि।
रेप के अनशनकारी के अवस्था नाजुक बनल है। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम सक्रियता देखल के बाद प्रदेश सरकार के सेहो ध्यानाकर्षण भेल अछि। सोम के भिनसर प्रदेश के उद्योग वन तथा वातावरण मंत्रालय से कार्यालय के सूचना अधिकारी बेचन कुमार महतो सहित के दू गोटे के टीम अनशन स्थल में पहुँचकर 5 बूंदा में से 4 बूंदा पूरा कर सरकार तैयार रहल के अनशन तोड़ के लिए आग्रह कने छा। मुदा चूरी तथा वनजंगल संरक्षण अभियान के सलाहकार सरोज राय लिखित रूप में कानून सम्मत रूप से मंत्रालय पहल कलक अनशन तोड़ तैयार होबाक बतौलन। एम्हर सरकार संग वार्ता करबाक लेल अनशनकारी के दिस से सरोज राय के अगुवाई में 4 वार्ता टोली गठन भेल अछि। वार्ता टोली से आज सरकार संग वार्ता करबाक भेल अछि। सरोज राय के अनुसार मंत्रिमंडल स्तरीय लिखित रूप में मांग पूरा कर सरकार तैयार भेल त अनशनकारी सब अनशन तोड़त बतौलन। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह चूहे विनाश रोकबाक लेल विगत 5 से आमरण अनशन में बैसल सबके प्रति गंभीर होब प्रदेश सरकार के आग्रह कलक अछि। सोमदिन अनशन स्थल में पहुँचकर आमरण अनशन प्रति एकवत्ता जनवित मेयर शाह चूरे मधेस की लाइफलाइन भेला से जायज मांग पूरा करबाक लेल अति किनको विलम्ब करने होबाक बतौने छलखिन। चूरे के विनाश क्रम जारी रहला से अय प्रति आवाज उठेबाक लेल आमरण अनशन में बैसल पड़बाक बात भेनाय प्रदेश के लेल लाज के विषय भेला से आमरण अनशन में बैसल सब उठान के ने 5 मांग यथाशीघ्र पूरा कर जान रक्षा के लिए आग्रह कलन। विगत 5 से आमरण अनशन में बैसल चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के सहसंयोजक रानी राय आ धनुषा संयोजक अमन यादव के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम अपन निगरानी में रखने है। अस्पताल के इमरजेंसी शाखा दोनों गोटे के अवस्था के बारे में जानकारी लैत आयल। बारह के सिमरौनगढ़ नगर पालिका के नगर परिषद बैसार में कोरम पहुँचाबा कृत्य हस्ताक्षर के प्रमाणित भ चुकल रहितो जिला सरकारी वकील कार्यालय 12 मुद्दा चलाब नहीं मानने। जिला सरकारी वकील कार्यालय 12 के विरुद्ध में सोम दिन नवम दिन से कलैया में धरना प्रदर्शन कैल गए। राष्ट्रीय जनता समाजवादी पार्टी नगर कमेटी सिमरौनगढ़ कृत्य हस्ताक्षर में संलग्न नगर प्रमुख विजय शंकर यादव तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिओम शाह लेखापाल सर्वेंद्र चौधरी आ योजना प्रमुख जितेंद्र प्रसाद यादव पर कार्यवाही आगा बढ़ावा स्तनवासी कलैया में प्रदर्शन करने। राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 4 के कृत्य हस्ताक्षर पुष्टि भक राय सहित के प्रतिवेदन जिला प्रहरी कार्यालय 12 मार्फत सरकारी वकील कार्यालय में आयल रहे तो सरकारी वकील के कार्यालय मुद्दा नहीं चलौने। सिमरौनगढ़ नगर पालिका के 2077 अखाड़ 8 गते के नगर परिषद संचालन में गणपुरक संख्या पहुँचाबा कार्यपालिका सदस्य कपिल देव शाह श्रीपति दुसादीन रंभा देवी पटेल लगाए 4 के हस्ताक्षर कैल गेल पुष्टि भेलाक बाद उनका से विरुद्ध कृत्य हस्ताक्षर मुद्दा में कार्यवाही के लिए जिला प्रहरी कार्यालय 12 में जाहिरी दर्ता कराओल गेल। कृत्य मुद्दा में कार्यवाही आगाड़ी बढ़ावा सकल फाइल पठाओल गेल रहे तो कार्यवाही प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ाओल गेलक बाद प्रदर्शन आ धरना करा पड़ल। सिमरौनगढ़ नगर कार्यपालिका सदस्य तथा वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष राजेश यादव जानकारी दिलन। राष्ट्रीय जनता समाजवादी पार्टी सिमरौनगढ़ नगर कमेटी के अध्यक्ष किशोरी शाह कानून के अगुवाई में दिनहुँ सरकारी वकील कार्यालय आगा धरना आ विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम से भरल है। कृत्य हस्ताक्षर प्रकरण में पकड़ाव पड़ल कार्यालय प्रमुख हरिओम जसवाल आ लेखापाल सर्वेंद्र चौधरी के सरकारी वकील कार्यालय तहिए धरोटी में छोड़ने छल। एम्हर जिला सरकारी वकील कार्यालय नगर सभा के माइनर सहित के आवश्यक कागजात अध्ययन के लिए कहकर उच्च अदालत जनकपुर धाम अस्थायी इजलास वीरगंज के पठौने। 12 के न्यायाधिवक्ता युद्ध बहादुर आले कृत्य हस्ताक्षर मुद्दा में उच्च अदालत वीरगंज के राय निर्देशन अनुसार अपने सब प्रक्रिया अपन प्रक्रिया आगा बढ़ाए प्रतिक्रिया दिलन। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना क्रम मांग करैत सरलाही से सोम दिन सरकार के हस्ताक्षर बुझलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार के नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ सरलाही हस्ताक्षर बुझेने अछि। आयोग पुनर्स्थापना कऽ कऽ भूमिहीन सुकुम्बासी आ अव्यवस्थित बसोवासी के व्यवस्थापन कर मांग करैत सरलाही सहित 77 जिला से सोम दिन एक साथ हस्ताक्षर संकलन कऽ कऽ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के पठाओल गेल। अखिल नेपाल किसान महासंघ के केंद्रीय सचिव राजकुमार उप्रेती जानकारी दिलन। सरलाही में 200 कपड़ा में सहयोग भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोवासी संगे जनप्रतिनिधि सबके सेहो हस्ताक्षर संकलन कऽ कऽ सरकार के पठाओल गेल उप्रेती बतौने अछि।
जिला के हरिवन, लालबंदी, ईश्वरपुर, बागमती, हरिपुर, हरिहरपुर लगायत के स्थान में संकलन कैल गए हस्ताक्षर प्रमुख जिलाधिकारी राज कुमार महतो मार्फत सरकार के बुझौने हस्ताक्षर कर एमाले सरलाही के इंचार्ज कमला देवी महतो, पूर्व मंत्री बद्री न्यूपाने, एमाले के ओली समूह के जिला अध्यक्ष राज नारायण शाह, महासंघ के केंद्रीय सचिव राजकुमार उप्रेती, महासंघ के सरलाही जिला इंचार्ज विष्णु प्रसाद मैनारी लगायत सदर मुकाम मालंगमा पहुँचल छल। साउन 19 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से देवी गेवाली नेतृत्व के भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग खारिज कने छल। सरकार आयोग खारिज कल के बाद भूमिहीन सुकुमवासी आ अव्यवस्थित वसुवासी के जगह उपलब्ध करवा तथा उचित व्यवस्थापन करवा काज रोकल। रोहतक जिला में राहत वितरण के लिए प्रदेश सरकार पठौने खाद्यान्न सामग्री सरल घटना एखन सार्वजनिक होबय लगल। चीन से विश्व भरि फैलल कोरोना वायरस के जोखिम नियंत्रण रोकथाम के लिए नेपाल सरकार पहल चरण में कने लॉकडाउन के मार में पड़ल गरीब अतिविपन्न वर्ग समुदाय के व्यक्ति के लिए वितरण कर दल गए राहत सामग्री निर्वाचित जनप्रतिनिधि वितरण कर गोदाम में एक वर्ष से ओहिना रखने खाद्य सामग्री सड़ गया। सावन 11 गते रोहतक के देवाही गुनाई नगर पालिका में राखल गई राहत सामग्री मेयर धर्मेंद्र पटेल खदिया खनि के गारने घटना सिराएल नेपबत राजदेवी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड में 50 बोरा राहत सामग्री सरल घटना सार्वजनिक फैल। प्रदेश सरकार के नेतृत्व कर रहा दल निर्वाचित फैल ठाव में प्रदेश सरकार देने राहत सामग्री सरल है। राजदेवी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड कार्यालय हजमीनिया में 2077 साल अखाड़ महीना में दल गई राहत सामग्री चाउर दालि तेल सोयाबीन नून लगायत के खाद्य सामग्री सैन के बर्बाद फैल। दलित समुदाय के बसवास रहल ओ वार्ड में सनूप महतो नूनिया वार्ड अध्यक्ष है। कोरोना महामारी में भूख से छटपटा वाला गरीब दलित अपांग मजदूर के खाय के लिए राहत नहीं दे वाला वार्ड अध्यक्ष महतो वार्ड कार्यालय के भवन में राहत सामग्री सरौने घटना प्रति स्थानीय सब आक्रोशित बनल। स्थानीय सरकार गाम गाम में आयल बात कागज में भेड़ तो व्यवहारिक रूप में स्थानीय अनुभूति कर नहीं पौने। सत्ता पावर के भर में जनप्रतिनिधि सब अपन मोनोपोली ढंग से करित आयल काज से सर्वसाधारण जनता विक्षुब्ध फैल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विपक्षी बनाकर विशेष अदालत में मुद्दा दायर कला पर निलंबन में पड़ल कारण वितरण कर आयल राहत सामग्री वितरण निकाल गया जिकिर वार्ड अध्यक्ष महत्व के रहा। 5 गोट निर्वाचित जनप्रतिनिधि फैल वार्ड में 1 गोट वार्ड अध्यक्ष निलंबन में पड़ला के बाद बाकी जनप्रतिनिधि आ वार्ड सचिव वितरण किया निकने कहकर प्रश्न के विषय बनल। जनता के पीड़ा में मलहम लगाब के लेल प्रदेश सरकार देने राहत सामग्री रूम में बंद कक सराब के काज करवला जनप्रतिनिधि ऊपर कड़ा कार्यवाही कर पड़वा स्थानीय सबके मांग रहा। प्रदेश सरकार ए प्रति गंभीर भक छानबीन प्रक्रिया बढ़ाकर कर्तव्य निर्वाह कर पड़वा देखल गया। अपन आधिकारिकता सिद्ध कर जनता समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष महन ठाकुर पक्ष सर्वोच्च से निराश बनल। सोमदिन सर्वोच्च अदालत जसपा के तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुर के पार्टी के आधिकारिकता के विषय में दायर कने रिट निवेदन में अंतरिम जारी कर स्वीकार कलक। न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार काकी आ डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराय के संयुक्त इजलास से ठाकुर के अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कलक बाद निर्वाचन आयोग जसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष के आधिकारिकता सदर भेल। दल के आधिकारिकता बारे में आयोग से साउन 11 गते में निर्णय कने देखल गेल। आदेश में कहल गेल ओ निर्णय कानून बमोजिम अछि या नहीं से अंतिम निर्णय के विषय देखल गेल। उठाओल गेल अन्य विषय में अंतिम निर्णय भेला पर विचार हेबाके भेल आ निवेदक के तत्काल अपूर्णीय क्षति पहुँचबाक अवस्था नहीं देखल गेल सेहो से सुविधा आ संतुलन के दृष्टिगत कला पर एखन मांग बमोजिम अंतरिम आदेश जारी नहीं करय पड़ल। पार्टी आधिकारिकता के संदर्भ में आयोग के निर्णय खारिज के मांग करे ठाकुर सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दायर कने छ। रिट में साउन 10 गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी के एकल इजलास से अंतरिम आदेश के लिए विमर्श में बजेबाक आदेश कने छ। साउन 15 गते न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिबड़ा आ कुमार चुड़ाल के संयुक्त इजलास से दुनू मुद्दा के संगे राखि कर सुनवाई करवाक आदेश कने छ। एमर ठाकुर पक्ष की 3 एमर से विभिन्न जिला में कर लागल सभा सम्मेलन से आब उपरम प्रभावित होबाक फैल। पार्टी के अधिकारिता में दावी असफल भेला के बाद ठाकुर पक्ष के विकल्प खोज बाध्य बनौने ओ सब जनकपुर धाम लगायत मधेश के विभिन्न जिला समय जसपा के बैनर में सब सभा सम्मेलन तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम सब करित आबि रहल छल। ठाकुर पक्ष के सर्वोच्च समाजवादी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी के अलग अलग करत से विश्वास लेल गेल रहितो पार्टी के अधिकतम कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र यादव संग रहल कारण निर्वाचन आयोग
पहलहू पार्टी में उपेंद्र के दावी के सदर केने छा। ज्यादा समाजवादी पार्टी के अधिकारिता पौने अध्यक्ष उपेंद्र यादव केंद्रीय कमेटी के बैसार बजौने आ ये काल्हि ककर दू दिन धरि चल वाला बैसार में महंत ठाकुर पक्ष के नहीं बजाओल गेल अछि। गसप के केंद्रीय समिति में सेहो नहीं राखल गेल अछि। जसपा गठन भेल 14 महीना में ऐसा दू दिन के लिए केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बैसा लागल अछि। टुडे समाचार अखन के लिए इतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।